अजमेर में जॉब प्लेसमेंट के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। युवती को अमेजन कंपनी में डाटा एंट्री का जासा देकर पहले इंटरव्यू व अन्य कारण बताते हुए 188,000 रुपए हड़प लिए। अब कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा। पीड़ित की रिपोर्ट पर रामगंज थाने ने मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दीप दर्शन कॉलोनी निवासी सोमलपुर रोड निवासी हिमानी पथारिया ने रिपोर्ट देकर बताया कि 23 मार्च 2023 को इंडिया प्लेसमेंट से एचआर निक्की सोनी का पहले कॉल आया। उसने अमेजोन कंपनी में डाटा एंट्री की बात कही, इंटरव्यू पास करने के लिए पैसे भी मांगे, जिसके बाद बार बार पैसे मांगते हुए 188,830 रुपए की ठगी की गई। इसके बाद कॉल नहीं उठाया जा रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसआई महादेव प्रसाद को मामले की जांच सौंपी गई है। कल थाना पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें प्रतिवादी हिमानी पथरिया सोमलपुर ने दर्ज करवाया, जिसमें उसने बताया कि 23 मार्च 2023 को उसके कॉल आया था निक्की सोनी नाम से। उसने उसे इंडिया प्लेसमेंट में अमेजन कंपनी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर अलग अलग किस्तों के अंदर 188,000 रुपये जमा करवाए अकाउंट में, जिस पर उन्होंने रिपोर्ट दी तो धारा 420 में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश की जा रही है। किस एवज में था ये अमेजन कंपनी थी, उसके अंदर उसको नौकरी दिलाने के नाम पे अलग अलग किस्तों में पैसे लिए गए। ये कहाँ की निवासी महिला? ये सोमलपुर की रहने वाली है। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ? धारा 420 IPC में। ठीक।